ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास 10th के साइंस की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने एस चांद की बुक से लिया, जिसका सैंपल प्रॉब्लम 2 है और पेज नंबर है 172। ठीक है, तो ये जो है सैंपल प्रॉब्लम 2 एस चांद की बुक से लिया गया। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। डेविड है, कोई आदमी है जिसका, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक प्लेन मिरर के सामने अपने इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हुए, इसमें से राइट आंसर बताना हमें। यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। तो ये प्लेन मिरर है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर हुआ, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, ये डिस्टेंस है। अच्छा देखिए, डेविड मान लीजिए यहाँ, ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। यहाँ पे डेविड है, मान लीजिए ये डेविड है, ठीक है, ये डेविड है हमारा, हाँ, इसका नाम है डेविड, डेविड, ठीक है, ये डेविड है हमारा। तो अब ये कितने डिस्टेंस पर खड़ा है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ मिरर और इमेज, मान लीजिए मिरर के अंदर इमेज बन रही है, तो डिस्टेंस किसका बता रहा है, मिरर, ये मिरर है और इमेज, ये मिरर है और इमेज, मान लीजिए यहाँ बननी होगी मिरर के पीछे अंदर, ठीक है, तो बीच का डिस्टेंस कितना बता रहा है, मान लीजिए इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है, डेविड की ये, तो ये डिस्टेंस कितना बता रहा है, 4 मीटर, ठीक है ना। तो ये प्लेन मिरर में आपने देखा होगा, आप अगर पास खड़े रहेंगे तो मिरर में भी आपको उतने ही डिस्टेंस में अंदर भी दिखाई देगा, अगर आप मिरर से, प्लेन मिरर से दूर रहेंगे तो उतने ही दूरी पर आपको इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर नजर आएगी। तो प्लेन मिरर की यही प्रॉपर्टी है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होता है, यानी कि जितनी दूरी पर डेविड मिरर के सामने खड़ा है, जितनी दूरी पर, उतनी ही दूरी पर इमेज भी उसकी मिरर से बनेगी, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पर ये बता दिया है कि जो डिस्टेंस बनना है मिरर, ये मिरर है हमारा मिरर और यहाँ पर इमेज बनेगी, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बता रहा है 4 मीटर बता रहा है, इसका ये मतलब है कि 4 मीटर की दूरी पर ही डेविड भी खड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे खड़ा है 4 मीटर, यही तो डिस्टेंस होगा ना, ये भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, डेविड है ना, ये डेविड है, सॉरी डेविड यहाँ बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमें जब डिस्टेंस पता ही है कि ये मिरर और इमेज का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होती है, तो इसका मतलब ये है कि डेविड 4 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है मिरर के सामने, ठीक है, तो ये भी 4 मीटर में पता चल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो देखिए अब बोल रहा है कि डेविड जो है 1 मीटर जो है मिरर की तरफ जा रहा है, 1 मीटर यानी कि 4 मीटर पे खड़ा है, 1 मीटर आगे जा रहा है मिरर के, यानी कि 1 मीटर 4 में से आप 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ ये 3 मीटर हो जाएगा, यानी कि डेविड अब यहाँ पर आ गया है, 1 मीटर आगे आ रहा है ना मिरर के, 1 मीटर आगे, यानी कि 4 में से 1 माइनस कीजिए तो 3 मीटर, तो 3 मीटर आगे आगे मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, 3 मीटर, क्योंकि वो 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर गया है, तो 3 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस इमेज मिरर और डेविड का। तो जब वो 1 मीटर टुवर्ड्स मिरर जाएगा तो उतने ही डिस्टेंस तो इमेज का भी बनेगा ना, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट इमेज 3 मीटर, यहाँ पर इमेज बनेगा तब डेविड का, 3 मीटर बना ना, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब वो 1 मीटर मिरर के तरफ जाएगा देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमें बतानी है डेविड और इमेज की, तो अब यहाँ देख लीजिए यहाँ पर 3 मीटर बन रहा है डिस्टेंस, तो डेविड यहाँ पर है और इमेज उसकी यहाँ पर है, तो टोटल डिस्टेंस देखिए कितना होगा, 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, टोटल 6 हो गया ना, 6 मीटर। तो डिस्टेंस हमें क्या बताना है, डेविड का और उसके इमेज का, तो 3 + 3 6 मीटर बनना है टोटल डिस्टेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जस्ट आपका प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी ही अगर आपको मालूम है तो आप इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर डेविड 2 मीटर टुवर्ड्स जाएगा तो यहाँ पर 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि डेविड और मिरर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा तब 2 मीटर, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस बनेगा 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस तब क्या हो जाएगी, 2 + 2 = 4 हो जाएगी, यहाँ पर 3 था हमारे क्योंकि 1 मीटर टुवर्ड्स गया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 3 + 3 = 6 मीटर।